इसलिए बना है, नहीं तो कभी ये काम नहीं हो रहा था। उनके कार्यकाल में रोड बनने वाला है ये राम मंदिर की, वहाँ तमाम लोग जा रहे हैं और तमाम जो विरोधी पार्टी है वो नहीं जा रही, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाई ये सबका काम है। अखिलेश यादव जी का आमंत्रण मिला था राम मंदिर के लिए, वो नहीं गए, उनको क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं गए, उनके पिताजी भी तो नहीं जाते थे मथुरा वृंदावन। लोग कहते हैं कृष्ण मेरे भगवान है, कृष्ण मथुरा वृंदावन कभी गए? मुलायम सिंह जी गए या अखिलेश जी गए कभी गए? ये लोग कोई मतलब नहीं है। लगातार आप मुझे सुर्खियों में देखते रहते थे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मछली शहर से दुर्गागंज होते हुए बनारस रोड चली जाती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर अयोध्या को लेकर 22 जनवरी की तैयारी चल रही, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के कुछ क्षेत्र के जनता है, उनसे भी इस बारे में चर्चा करूँगा और सर्वप्रथम इस रोड के बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा, क्योंकि सांसद विधायक बहुत आए, कई वर्षों से ऐसे ही रोड टूटा फूटा पड़ा है। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे भी बातचीत करूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बधवा में। क्या नाम है आपका? बबन तिवारी। बबन तिवारी, यह जो रोड है जो बन रहा है, पेड़ ओड़ कट रहा है, किसके द्वारा बन रहा है ये जानना चाहता हूँ। ये नरेंद्र मोदी द्वारा बन रहा है, जो इसमें नरेंद्र मोदी द्वारा यह बन रहा है, उन्हीं सरकार है इसलिए बना है, नहीं तो कभी ये काम नहीं हो रहा था। उनके कार्यकाल में रोड बनने वाला है। यहाँ के जो सांसद हैं वो भी तो भाजपा के ही हैं? हाँ, वो भी भाजपा के हैं, लेकिन वो हैं बीपी सरोज हैं। कैसे व्यक्ति हैं? नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, उनका भी सहयोग चल रहा है। हाँ, हमारे पार्टी ये बताइए, 22 जनवरी को तैयारी चल रही है राम मंदिर की, वहाँ तमाम लोग जा रहे हैं और तमाम जो विरोधी पार्टी है वो नहीं जा रही, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाई ये सबका काम है, ये पूरे हिंदुस्तान काम है, मतलब विरोधी लोग नहीं आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सहयोग तो देशों को है, विदेशों के लोग आ रहे हैं, जब यहाँ वाले नहीं पहुँचेंगे तो भाई हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? संजय कुमार उपाध्याय। संजय कुमार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सब। यह रोड काफ़ी सालों से ऐसे टूटा फूटा पड़ा था, कोई भी सांसद विधायक बनता था तो चट्टी करवा देता था, अभी काम जोरों से चल रहा है। इस हाईवे का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, NH 33। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बस बहुत जल्दी, काम तो बहुत तेजी से चल रहा है, वो एक साल लमसम तो लगी जाएगा। तो किसके निधि द्वारा यह बन रहा है? सांसद बीपी सरोज जी के, उनके द्वारा जी। नहीं, लोग तो कहते हैं कि और जो पहले के सांसद थे अप्लाई किए थे उनके द्वारा बन रहा है। नहीं नहीं, ये गलत है, जब वो किए होते तो बनता ना, तब क्यों नहीं बना, केवल चक्ती लगा, ये लगा, वो लगा, बस यही सब काम चल रहा था। अच्छा गुरु जी, एक ट्रेंडिंग में खबर चल रही है कि अखिलेश यादव जी का आमंत्रण मिला था राम मंदिर के लिए, वो नहीं गए, उनको क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं गए, उनके पिताजी भी तो नहीं जाते थे मथुरा वृंदावन। लोग कहते हैं कृष्ण मेरे भगवान है, कृष्ण मथुरा वृंदावन कभी गए? मुलायम सिंह जी गए या अखिलेश जी गए कभी गए? ये लोग कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ बताया जा रहा है कि कांग्रेस के भी कुछ नेता नहीं जा रहे हैं? ना जाए ना, उन लोगों को देखिए, वोट की राजनीति है उन लोगों का, अब उनके चच्चा वाली बात है ना, अगर चले जाएंगे तो चच्चा कोट नहीं मिलेगा, मेन मुद्दा ये है। लोग तो कहते हैं कि राम मंदिर नहीं, उसी जगह पे एजुकेशन की व्यवस्था होती, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती। सारी व्यवस्था तो हो रही भैया, सारी व्यवस्था बनी है अयोध्या में, सारी व्यवस्था बनी है, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, हवाई अड्डा, सब कुछ तो बन रहा है हर जगह। अगर कोई न देखे ध्यान से, न जाए तो अलग बात है, और तो भाई बुराई करने वाली तो भाई कुछ न कुछ तो लोग लगे ही रहते हैं, कितना भी अच्छाई करो, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं को भाई वो गलत तो बताओ ही करेंगे। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं जी, उनके बारे में कई लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं जातिवादी सांसद हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी आते जाते हैं, कोई जातिवादता नहीं है, कोई जातिवादता नहीं। क्या नाम है सर आपका? चंचल सिंह। चंचल सिंह, क्या माहौल है इस बार 24 का? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है इस बार, किसकी सरकार बने फिर? जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। अच्छा, ये रोड की काफी समस्या थी, इस क्षेत्र की समस्या थी, यह जो रोड जब बन जाएगा तो कितने लोगों को लाभ मिलेगा? अरे सभी को मिलेगा, इसमें एक को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा सभी के लिए फायदेमंद होगा ना। हाँ, जो अभी 40 मिनट लग रहा है वहाँ 10 मिनट लगेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का अगर माना जाना अगर कोई है जंक्शन तो जंघई एक जंक्शन है। हाँ, वहाँ से भदोही भी होकर ट्रेन जाती है, बनारस भी जाती है। हाँ, और उधर मड़ियाहू भी चली जाती है, तो यह रोड और जो विपक्षी जो नेता थे उनके कहे हमारे द्वारा फॉर्म वॉर्म भरने पर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म भरने से मतलब थोड़ी ना होता है, कहने से नहीं होता, करने से होता है, करने से होता है, करने से होता है। जो काम करेंगे जभी तो होगा, कहने से थोड़ी ना होगा। इस बार सुनने में आया है कि लोग हल्ला मचाए हैं कि जो वर्तमान सांसद उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। ये तो भाई अब उन लोगों के हाथ में, हम लोग कैसे कह सकते हैं। जो जैसा काम करेगा सरकार वैसा करेगी उनके साथ, जो जैसा करेगा उससे। हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसे टिकट मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे कहाँ। तो आपके निगाह में कैसे हैं सांसद? सांसद ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एक व्यक्ति और मौजूद हैं, काफी चर्चा का विषय बने रहते। क्या नाम है भैया? विपिन सिंह हमारा नाम है। इसके पहले आपको धन्यवाद आज़ाद जी, जो आप जो इतनी कड़कड़ाती ठंडी में आप इसको कवरेज करने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस हाईवे के बारे में क्या कहना चाहते हैं तमाम जो अन्य पार्टी के नेता और कहते हैं हमारे द्वारा ये बन रहा है? नहीं नहीं, सब बात गलत है। जितने भी सांसद है विधायक आए हैं यहाँ, भैया भाई कुछ थोड़ा अथक प्रयास लोगों ने कुछ किया होगा, लेकिन जो है माननीय बीपी सरोज जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनके अथक प्रयास द्वारा, अथक प्रयासों द्वारा जो है ये जो है रोड का निर्माण चालू हुआ है, और बहुत तेज़ी गति से निर्माण चल रहा है, क्योंकि पेड़ की कटाई पूर्ण रूप से हो चुकी है और उधर जंघई से लेकर गोदना तक मिट्टी का भी पाटने का काम चालू हो गया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सांसद बीपी सरोज जी को, जिन्होंने जो है इतना बड़ा काम जो है जंघई से लेकर मछली शहर से लेकर बनारस तक हाईवे का काम चालू करवाया है, और यहाँ की जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा। यहाँ पर लोग ट्रेन पकड़ने जाते थे, गाड़ी बिगड़ जाती थी, ट्रेन छूट जाती थी, इसके लिए जिन सारी समस्याओं का निजात यहाँ की जनता को मिल जाएगा। और सारी जनता जो है यहाँ के बहुत खुशहाल है, मछली शहर के जितने भी लोग सभा क्षेत्रवासी हैं सब बहुत खुशहाल हैं, और पुनः चाहते हैं कि सांसद जी को टिकट मिले, और जो ऊपर के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको टिकट पुनः मिले और पुनः है सांसद चुन के हमारे लोकसभा मछली शहर में आए। 22 तारीख को अयोध्या में तैयारी चल रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, और तमाम जो पार्टी के नेता हैं अपना पक्ष रख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पक्ष रख रहे हैं ठीक है, लेकिन जो है बहुत बड़ा काम हुआ है, जो कि 500 साल बाद एक काम हुआ है, जो कि मुग़ल काल, फिर अंग्रेज़ों का काल आया, फिर जो है 70-75-74 साल जो हो गया भारत को आज़ाद हुए, आज तक ऐसा कोई पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी इतने दिन से जो है सत्ता में थी भारत में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि इसे बहुत बढ़िया काम किए हैं, जो कि राम मंदिर विद इन लगभग 2 साल के अंदर बन गया, और जो है 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, और यहाँ की जनता या पूरे प्रदेश की जनता बहुत उत्साहित है कि मंदिर का उद्घाटन हो और लोग जाएं, वहाँ की व्यवस्था देखें, दर्शन करें और आनंद उठाएं, और पूरा पर्यटक स्थल है, पूरे इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि विदेश के लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं और उसका व्यवस्था देख रहे हैं। अभी मेरे साथ एक व्यक्ति और जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करूँगा। का नाम उबीदार? प्रदीप कुमार उमर वैश। क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। अभी पढ़ाई चल रहा है? क्या चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं? BA 5 सेमेस्टर। अच्छा, तो ये बताइए 22 जनवरी को अयोध्या में प्रोग्राम है, रामलला आ रहे हैं, वहाँ देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारी? वहाँ पर जाने वाले नहीं? हम नहीं पहुँच पाएंगे। आप नहीं पहुँच पाएंगे, स्टूडेंट हैं। ये बताइए क्या ये हाईवे बनने वाला है जी, बन जाकर सुविधा होगा कि नहीं? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। काम धाम क्या करते हैं? कुछ नहीं, ये दुकान है, किराना की दुकान है। किराना की दुकान है जी जी। तो ये हाईवे जो बन रहा है, यहाँ बताया जा रहा है यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद हैं बीपी सरोज, जो भाजपा के हैं लोकसभा मछली शहर से, उनके मार्गदर्शनों द्वारा यह बन रहा है, सही है गलत? जी सही है, सही है। अच्छा ये बताइए सांसद जी मिले हो? नहीं अभी नहीं मिले। दो बार सांसद रह चुके, अभी नहीं मिले? नहीं। कभी कोई काम पड़ा कि नहीं? नहीं, कोई काम नहीं, कभी नहीं? नहीं। तो चलिए बताइए भैया, अभी हम बधवा में हैं, तो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं जी जी। तो ये हाईवे जब बन जाएगा तो क्षेत्रीय लोगों को, जो बाहरी के लोग आते हैं, इससे क्या विकास होगा? अरे समय का बचत होगा, व्यापार बढ़ेगा और मार्केट बढ़ेंगे। अब इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? काफ़ी वर्षों से ये तो खराब था यह रोड। हाँ, काफ़ी वर्षों से खराब था। यहाँ के लोग मौजूद थे, यहाँ कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई,
मैं और इसके आगे रिपोर्ट बनाऊंगा क्या है सच्चाई, किसके द्वारा यह रोड बनाया जा रहा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद अपनी राय जरूर दे। ऐसे आप देखते रहिए आजाद वीआईपी न्यूज़ को। जय हिंद।